अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 4 जो कि पावर से रिलेटेड है। कहा गया है 60 हॉर्स पावर इलेक्ट्रिक मोटर लिफ्ट्स एन एलिवेटर हैविंग अ मैक्सिमम टोटल लोड कैपेसिटी ऑफ 2000 kg। इफ द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द एलिवेटर इज 4000 newton, द स्पीड ऑफ द एलिवेटर एट फुल लोड इज क्लोज टू। यहाँ पर बताया गया कि 1 horsepower जो है वो 746 watt के इक्वल होता है। जी का वैल्यू 10 m/s² दिया गया है ना, तो हमें स्पीड बताना है जब फुल लोड, और फुल लोड का मतलब है कि इसमें ये पूरा जो लोड है 2000 kg का, ये 2000 kg का लोड उसमें रखा हो, तब उसका स्पीड क्या हो सकता है ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस एलिवेटर का यानी कि लिफ्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, ठीक। इसमें जब 2000 kg जो है वो इसका मास है 2000 kg, तो वेट हो जाएगा 2000 g, है ना। ये जा रहा है ऊपर, है ना, ऊपर जा रहा है, तो ऊपर कोई फोर्स लगेगा, मान लेते हैं कि F, जो कि इसको ऊपर ले जा रहा होगा, ये फोर्स लग रहा है, और ये जा रहा है ऊपर तो वेलोसिटी ऊपर है, तो फ्रिक्शन फोर्स जो है वो नीचे की तरफ लग रहा होगा, है ना। शाफ्ट होता है लिफ्ट में, शाफ्ट और इस एलिवेटर के बीच में कोई फ्रिक्शन फोर्स होगा, लिफ्ट ऊपर जाएगा तो फ्रिक्शन फोर्स नीचे लगेगा, है ना। तो ये फ्रिक्शन फोर्स जो है वो इसमें बताया गया है कि ये है 4000 newton। तो ये देखेंगे जो वेट है इसका W, ये एक्चुअली में हो जाएगा 20000 newton, है ना। तो मैक्सिमम लोड पर इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर ले जाएंगे तो टोटल फोर्स हमें कितना लगाना पड़ेगा, टोटल फोर्स लगाना पड़ेगा F जो होगा वो इन दोनों फोर्सेज के सम के इक्वल होगा, 20000 newton प्लस 4000 newton, मतलब कि 24000 newton, इतना फोर्स ऊपर लगेगा केबल में, है ना। तो ये फोर्स हो गया, तो फोर्स इनटू वेलोसिटी ये होता है पावर, तो फोर्स है 24000 newton। वी वेलोसिटी हमें फाइंड करना है, और पावर दिया गया है 60 horsepower, है ना, 60 horsepower। 1 horsepower कितना होता है, 746 watt के इक्वल होता है। तो यहाँ से V निकालेंगे तो अप्रोक्सीमेटली ये आएगा 1.9 m/s, है ना। तो देखेंगे यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन है, है ना, थर्ड वाला।